कन्नौज से बड़ी खबर है। फर्जी शिक्षिका अनामिका शुक्ला मामले में बड़ी कार्रवाई। मास्टरमाइंड के भाई जसवंत से वसूला जाएगा पूरा वेतन। नियुक्ति से अब तक का वसूला जाएगा पूरा वेतन। बरौली प्राथमिक विद्यालय में विभव नाम से 2015 में ये जनाब नियुक्त हो गए थे फर्जी कागजातों पर, और समिति की रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश हुए हैं। कन्नौज में विभव कुमार सिंह पुत्र विनोद कुमार सिंह, ये सहायक अध्यापक विज्ञान उच्च प्राथमिक विद्यालय रामपुर बरौली हसेरन कन्नौज में 22/9/2015 से कार्य कर रहा था। SP कासगंज एवं थाना सौरों से ये पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया, और इसने जब ये कबूला कि मेरा नाम जो है जसवंत सिंह है, मैं यहाँ पर कार्यरत हूँ। तो चलिए इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी लेते हैं। अमित कुमार मिश्रा इस वक्त हमारे संवाददाता फोन लाइन पर। अमित, ये बताइए कि दरअसल जसवंत पर अब ये कार्रवाई होगी 2015 से जनाब की नियुक्ति हुई फर्जी कागजातों के आधार पर, अब सारा पैसा वसूला जाएगा, लेकिन ये भी समझाइए और जो मास्टरमाइंड यानी कि जसवंत का भाई गिरफ्तार किया गया उस मामले में कहां तफ्तीश आगे पहुंची? जी बिल्कुल, बता दें ये बड़ी कार्रवाई हुई है, भले ही देर से कार्रवाई हुई है, लेकिन अब बड़ी कार्रवाई की तरफ कन्नौज जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी है, क्योंकि जो जसवंत था, जो मास्टरमाइंड का मुख्य भाई बताया जा रहा है, वो विभव नाम से 2015 से यहाँ पर कार्यरत था। तो जिसके बाद जब मामला ये पूरी तरह से सामने आया है, जब जांच बैठी है, कमेटी बैठी है, पूरी तरह से जांच की गई है, मैनपुरी से उसकी गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद कन्नौज में जब इसके कागजात खंगाले गए हैं तो वो पूरी तरह से फर्जी मिले। जिसके बाद BSA KK ओझा ने इसके ऊपर बर्खास्तगी की कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज कराई है। और सबसे बड़ी कार्रवाई जो हुई है इनके ऊपर, कि इनके ऊपर अब पूरा वेतन इनसे वसूला जाएगा, और अब शिक्षा विभाग कहीं ना कहीं कार्रवाई की तरफ आगे बढ़ रहा है। जैसे हमारी कल बात हुई थी KK ओझा से, उन्होंने कहा था कि अब शासन के निर्देश का इंतजार किया जा रहा है कि अब जो कार्रवाई आगे बढ़नी है, जैसे कि और भी अफलेख तलाशे जाएंगे, इनके इनके तार कहाँ कहाँ जुड़े हैं, किन किन शिक्षकों से जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं अब बेसिक शिक्षा विभाग में अब बड़ी कार्रवाई होगी और लगभग सभी के कागजात अब फिर से एक बार दोबारा रीचेक होंगे। बहुत शुक्रिया अमित कुमार इस पूरी जानकारी के लिए आपका।